वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको यहाँ पे मेथड बताने वाला हूँ कैसे जो है अपने डिवाइस में आप जो है कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो पोको फोन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कस्टम रोम आप जो है कैसे इसके अंदर सिंपल वे में इंस्टॉल कर सकते हो। अभी जो है EMIUI आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि स्टॉक रोम है और यहाँ पे मैं कोई भी अभी कस्टम रोम यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कस्टम रोम इंस्टॉल करके बताता हूँ। तो इससे पहले जो है आपको अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर लेना होगा। उसके बाद जो है एक कस्टम रिकवरी आपको यहाँ पे यूज कर लेना होगा। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ जैसे कि कैसे आप जो है अपने डिवाइस में कस्टम जैसे कि रिकवरी आप जो है कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है इंटरनल स्टोरेज में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं जो है ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर चुका है इंटरनल स्टोरेज में जो की कस्टम रोम को। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली जाना है कस्टम रिकवरी में। कस्टम रिकवरी में जाने के लिए आपको जो है वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। आपको पोको लोगो दिखते ही आपको जो है पावर बटन को रिलीज कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोको लोगो दिखते ही आपको पावर बटन को रिलीज कर देना है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे फोन चला जाएगा रिकवरी मोड में। तो यहाँ पे मैं कस्टम रिकवरी यूज कर रहा हूँ। EMI का रिकवरी से ये वर्क नहीं होगा। आपको कस्टम रिकवरी ही आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद जो है वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप में जाना है आपको। उसके बाद जो है चूज कर लेना है जैसे कि कैश, उसके बाद कैश, उसके बाद सिस्टम डेटा, इंटरनल स्टोरेज आपको चूज नहीं करना है और USB OTG वो भी चूज नहीं करना है, माइक्रो SD कार्ड वो भी चूज नहीं करना है। इतना सारे आपको चूज करके यहाँ पे आपको वाइप कर देना है। उसके बाद डन हो चुका है। यहाँ पे आपको फ्लैश में जाना है। आपको जो रोम जैसे कि फ्लैश करना है वो रोम चूज कर लीजिए जैसे कि आपको सिंपली फ्लैश कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है। तो मैं फ्लैश होने तक आपको यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश जो है सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली रिबूट कर लेना है। इससे क्या होगा आपका जो डिवाइस है यहाँ पे रिबूट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पोको बाय शाओमी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना है जब तक कि आपका डिवाइस बूट ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल का लोगो आ चुका है। इसका मतलब जो है पहले जो था यहाँ पे शाओमी का था वो लोगो जैसे कि वो चला गया है। यहाँ पे आपको जो है कस्टम रोम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कस्टम रोम आपको यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे मैं पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम यहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ। तो यहाँ पे पिक्सेल एक्सपीरियंस का लोगो यहाँ पे देखने को मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं बूट होने तक वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बूट हो चुका है। यहाँ पे आप जो है कोई भी कस्टम रोम यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर सकते हो ये मेथड यूज करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये मेथड आपको सक्सेसफुली वर्क हो चुका है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।